ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो उसको इतनी हाई डोजेज दी गई जिसकी वजह से उसका लिवर फेलियर हो गया और ब्लड निकलना शुरू हो गया हाँ जी क्या हुआ है अच्छा आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी एक कंट्रोवर्सी के बारे में बात करूंगा जो कि पिछले दिनों टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई जिसके अंदर एक टिकटॉक पर लेडीज़ हैं जिनका नाम यहाँ से हु महावीर समथिंग है और उन्होंने कहा कि एक पेट क्लिनिक ने जो है वो मैं उनका नाम नहीं लूँगा पेट क्लिनिक उन्होंने उनकी कैट को मार दिया बहुत बेदर्दी से और काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर थी जो कि मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करने चाहिए जो कि एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली हैं क्योंकि उन्होंने जो चीज़ें बताई थी उसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वाकई में एक पेट क्लिनिक ने ही वाकई में उनकी कैट को मारा है या कहीं उनकी अपनी नेगलिजेंस थी क्या चीज़ें थी उसके अंदर मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट सब बताऊंगा पॉसिबल है, है या नहीं है सबसे पहले जाके अंदाजा था इतने के, के, के वहीं से मुझे मेरी बिल्ली को एफ पी भी लग जाएगा उसके बाद इलाज के लिए मौजम खट्टक जो वहां पे वेट है उसने मुझे बोला दे मैं बिल्ली का इलाज करता हूँ मुझे नहीं आई डिड नॉट नो दैट ही इज नॉट वर्थ ऑफ बींग

तो ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए कि आप ये गलती ना करें और ये एज अ इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिर एज अ पेट लवर मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं कोशिश करूँ कि आप लोगों के पेट्स जो हैं वो सेफ़ रहे और मैं आप लोगों को वे डरा दिया और मैं आप लोगों को वही चीज़ें गाइड करूँ जो कि आपके पेट्स के लिए सेफ़ हूँ तो सबसे पहला उनका पॉइंट ये था कि उनकी कैट को एफ पी वी उस क्लिनिक से लगा पोलिटिकल क्लिनिक से क्योंकि वो हाईजेनिक नहीं था और वहाँ से वो बात दिलवाने के लिए गए थे यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ रेज होती है वो ये है कि अगर आपकी कैट वैक्सीनेटेड नहीं है ओबियसली जो एफ पी वी अगर वैक्सीनेटेड नहीं होगी तब उसको एफ पी वी हो जाएगा वो बेशक आपके घर में एक ही कैट हो बेशक दूसरे मोहल्ले से कैट गुजरी है वायरस कैरी करके या आपके घर के आसपास कोई कैट भी नहीं रहती तब भी आपकी कैट को वायरस लग सकता है ऐसा लाजमी नहीं है कि आप कहीं पर लेके जाएंगे वहाँ से लगता है हाँ पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है जब भी आप किसी क्लिनिक में जाते हैं नॉन वैक्सीनेटेड कैट को लेके वहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि आपकी कैट को वायरस लग सकता है जितना मर्जी हाइजीनिक हो वो क्लिनिक बहुत सारे चांसेस रहते हैं यहाँ पे गलती हम जो ऑनर होते हैं पेट ऑनर वही मिस्टेक कर रहे होते हैं कि हमने अपनी कैट की वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं करवाई होती हम नेगलेक्ट करते हैं इस चीज़ को जिसका खमियाजा जो है वो हमें भुगतना पड़ता है और उसके बाद दूसरा जो उनका कंसर्न था वो ये था कि मुझे उस डॉक्टर ने बताया कि इसको एफ पी भी हो गया है और उसके बाद जब उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो उसको इतनी हाई डोज़ दी गई जिसकी वजह से उसका लीवर फेलियर हो गया और ब्लड निकलना शुरू हो गया हाँ जी क्या हुआ अच्छा मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि ये लीवर फेलियर होना ब्लड निकलना और उसके अलावा वोमिटिंग आना डायरिया आना ये सारे एफ़ पी वी के साइंस हैं अगर उसको मेडिसिन दें या ना दें ये सारे साइंस आ सकते हैं हाँ इसमें मैं ये नहीं मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या मेडिकेशन की क्या नहीं की हाई डोज़ थी नहीं थी हाँ, हाँ हाई डोज की वजह से जो मसले होते हैं वो ये होता है कि लीवर फेलियर होता है लेकिन एफ पी वी में भी लीवर फेलियर होता है उसके अंदर सारे ऑर्गन्स जो हैं उनकी तबाही फिर जाती है और स्टूल आ स्टूल में जो है वो ब्लड आने लग जाता है वोमिटिंग आती है ब्लड वाली तो इसके अंदर जितने भी उन्होंने साइन बताए हैं वो सारे एफ़ पी वी के साइन है जब एफ़ पी वी वायरस आता है वैक्सीनेशन ना करवाने की वजह से तब ये सारे साइन ज़ाहिर होते हैं जिनकी बिल्ली को एफ़ पी वी हो चुका है उनको पता होगा कि ब्लड भी आता है उसके अंदर वोमिटिंग भी होती है डायरिया भी होता है ये सब कुछ हो रहा होता है तो इसके अंदर मेरा नहीं ख्याल कि उस डॉक्टर की गलती है अगर ये सारे साइन आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने अगर एक दफ़ा बीमारी डायग्नोस कर दी है तो ये सारे साइन आने ही आने हैं मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छे से आइडिया है कि जब किसी का पेट जो है वो उस दुनिया से जाता है तो उसको क्या तकलीफ होती है मैंने भी काफ़ी सारे अपने पेट्स जो हैं वो खोए हैं वो उनकी डेथ हुई है तो मुझे आइडिया है कि काफ़ी कुछ होता है और अक्सर मुझे भी पहले यही लगता था कि यार ये डॉक्टर ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से ना इसकी डेथ हो गई है लेकिन लैक ऑफ नॉलेज की वजह से जाहिर सी बात है एक आम बंदा जो है उसके पास ये सारी नॉलेज नहीं होती मैं कोशिश कर रहा हूँ तो अपने चैनल के थ्रू आप लोगों को ये नॉलेज दूँ आप लोगों को पता हो कि इस बीमारी के अंदर ये ये चीज़ें सारी होती हैं और मैंने एफ़ पी वी के ऊपर बकाया था वीडियोज़ बनाई हुई हैं काफ़ी सारी जो कि मैंने लेटेस्ट वीडियो भी इसके ऊपर एफ पी वी के ऊपर जिसमें मैंने सारे साइन बताए हैं यहाँ तक कि स्पोर्टिव ट्रीटमेंट के बारे में भी बताया आप लोग को, और इस बीमारी के अंदर एफ पी वी के अंदर नाइन्टी परसेंट चांसिस नहीं होते कैट के बचने के खासतौर पर और ख़ासतौर पर पर्शियन कैट्स जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी लो होती है स्ट्रे कैट्स की नस्बत और वो जल्दी ही डिहाइड्रेटेड हो जाती हैं और मैंने आप लोगों को काफ़ी दफ़ा बताया है कि कैट जब एक दफ़ा डिहाइड्रेट हो जाती है तो उसका बचना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है इसमें अगर हम मिस्टेक्स की बात करें तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि क्लिनिक की तरफ से क्या ट्रीटमेंट किया गया हाँ अगर मेरे सामने वो सारी वो होती हैं प्रिस्क्रिप्शन तो मैं किसी डॉक्टर से वेरीफाई करके आप लोगों को बताता ट्रीटमेंट ठीक था या नहीं लेकिन मुझे जो बेसिक एक मिस्टेक लगी है वो लगी ओनर की तरफ से वो है वैक्सीनेशन ना करवाना मैं फिर से क्लियर कर हूँ कि अगर आप वैक्सीनेशन नहीं करवाते तो एफ पी वी वायरस एफ ये किसी भी जगह से इवन के आप घर पर बिल्ली आपकी कभी बाहर भी निकली वहाँ भी लग सकता है ये वायरस ये बहुत नॉर्मल और कॉमन वायरसेज़ हैं तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी वो वैक्सीनेशन की तरफ से थी अदरवाइज जो है वो कोशिश करें कि जब भी आपके साथ कोई ऐसा मामला हो तो डॉक्टर से लाजमी पूछें कि क्या वजूहत थी क्या चीज़ें थी शायद उनको अच्छे से गाइडिंग एक किया गया उस लेडी को कि ये, ये मसले मसाइल इसके अंदर आते हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी सारा काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस में थी और और होना भी चाहिए जाहिर सी बात है एक जिसने अपना पेट खोया है और एकदम से सारा कुछ इस तरह से हुआ है उसके लिए चीज़ें हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं अपनी कैट की वैक्सीनेशन और डिवर्मिंग लाजमी करवाएं अपनी कैट की बहुत ज़्यादा केयर करें और नीलम भी मुझे लगता है थोड़े दिन तक शायद हीट पर आने वाली है तो आप लोगों ने बताना है भाई इसको प्रेगनेंट करवाएं या फिर उसको तो स्प्रे करवाएं मेरा मूड तो स्पे का है लेकिन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजी बताइएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़